हरियाणा के बल्लभगढ़ की बात करेंगे, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े एक छात्रा को आगाह करने की कोशिश की। जब लड़की ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। आपको बता दें कि पुलिस ने 20 घंटे बाद एक हत्यारे को दबोच लिया है, लेकिन दूसरा अब भी फरार है। पीड़ित परिवार में गम है तो गुस्सा भी है। परिवार धरने पर बैठा हुआ है और इंसाफ की मांग कर रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि छात्रा निकिता, जो अपने कॉलेज से निकल रही थी, किस तरह से उसे पहले जबरन बैठाने की गाड़ी में कोशिश की गई और जब वो नहीं मानी तो गोली मार दी गई। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता बल्लभगढ़ से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जाहिर सी बात है पीड़ित परिवार इस वक्त वहां पर मौजूद है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, क्या इन लड़कों को पहले से वो जानते थे, किस तरह की बात, क्योंकि निकिता के साथ एक लड़की भी यहां पर दिख रही है, क्या उसके बारे में पता चला, कौन थी वो क्या जानकारी दे रही है? अरविंद जी बिल्कुल, देखिए हम सीधे बात कराते हैं जो निकिता तोमर के भाई हैं उनसे। आप ये बताइए कि क्या आपने शिकायत दी थी, कोई एफआईआर दर्ज करवाई थी पहले? सर 2018 में वो उसको परेशान करता था शादी करने के लिए, वैसे तो उसको उसने किडनैप भी किया था, तो हमने एफआईआर कराई थी। उसके बाद पुलिस ने उसी दिन उसको गिरफ्तार किया था कहीं से, उसके बाद फिर बैठ के पंचों में समझौता हो गया था और हमने भी सोचा था बहन बेटी की बात है, जितनी ना उछाली जाए उतना सही है, तो उन्होंने भी माफी मांग ली थी कि अब नहीं करेगा, तो फिर हमने समझौता कर लिया था। अब सर कल आखिरी पेपर था उसका, कॉलेज का आखिरी दिन था। उस दिन जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलती है, तुरंत वो उसको पकड़ के जबरदस्ती करता है गाड़ी में बिठाने के लिए गन पॉइंट पे, और वो जब मना करती है, इनकार करती है, जब वो उसे किडनैप करने में सफल नहीं हो पाता है तो वो उसको गोली मार के तुरंत भाग जाता है। वो उससे शादी करने के लिए कह रहा था, दबाव डाल रहा था, धर्म परिवर्तन लव जिहाद का मामला है सर ये हमारी, और मैं सर जैसे ही आया वो लड़के भाग रहे थे, मैं मौके पे था और उन्होंने मेरा नाम एफआईआर में गवाह के तौर पर अभी नहीं लिखा है। मेरी यही मांग है कि मेरा नाम गवाह के तौर पर लिखा जाए, एसआईटी गठित की जाए और हमें यहाँ पर कोई डीआईजी रैंक का सीपी साहब आए, कोई आए, हमें यहाँ पर उनसे आश्वासन मिलना चाहिए, मीडिया के सामने अपना बयान दे, लिखित में दे हमको, और हमें एसआईटी गठित हो तुरंत, हमें 2-3 दिन के अंदर हमें न्याय चाहिए उसके लिए। और एक लड़का उन्होंने भी गिरफ्तार किया है, एक अभी भी फरार है, तो उस लड़के को उन्हें फरार किया। और मैं आपको बताऊं श्वेता, देखिए निकिता ये जो लड़की है आपको बताऊं, और यहीं पर सीसीटीवी जो आया है वो काफी दिल दहला देने वाला है। देखिए कानून व्यवस्था पर सवाल है, किस तरीके से बदमाश है वो बेखौफ है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप सीसीटीवी देखें तो जो ओपन रास्ता है लोग वहां से आ जा रहे हैं, बकायदा जो I-20 कार से बदमाश है वो नीचे उतरते हैं, काफी गुत्थम गुत्था होती है, उसके बाद जो निकिता ये लड़की है तस्वीरों में इसको गोली मार के फरार हो जाते हैं। तो सवाल कई है, कानून व्यवस्था पर सवाल है, सवाल उन लोगों पर भी है जो सड़कों पर रहते हैं और वीडियो बनाते हैं लेकिन बीच बचाव करने नहीं आते। अगर उनमें से, आप तस्वीर में देखिए कई महिलाएं देख रही हैं, अगर उनमें से कोई शोर मचा देता तो शायद बदमाश डर करके भाग जाते, शायद इस तरह की वारदात नहीं होती। तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल है और तमाम तरीके के सवाल है। इन सबके बीच कैमरामैन रितेश को कहूंगा, जरा आपको तस्वीरें जरूर दिखाएं यहाँ की परिवार में कितना ज्यादा गुस्सा है। यहाँ पर महिलाएं तक सड़क पर आ गई है, सुरक्षा व्यवस्था के सवाल को एक बार हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अब महिलाएं हैं उनमें वो यहाँ पर आ चुकी है, उनमें गुस्सा है क्योंकि सवाल सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर है। पूरा परिवार सड़क पर है और इनका कहना है कि 2018 में भी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, शिकायत दी गई थी, अपहरण करके ले गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा एक्शन नहीं हुआ। हालांकि परिवार का कहना है कि जो बेटी का मामला था इसलिए समझौता किया गया था, लेकिन बावजूद इसके देखिए सीसीटीवी में किस बेखौफ अंदाज में बकायदा आता है, निकिता तोमर के साथ उसकी दोस्त भी होती थी, बावजूद इसके बीच बचाव करने की कोशिश की जाती है लेकिन टारगेट करके 0.0 ब्लैंक से गोली मार करके जो आरोपी है वो फरार हो जाता है। हालांकि फरीदाबाद का पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल अरविंद, हम साफ तौर पर देख सकते हैं, जाहिर सी बात है परिवार वालों में गुस्सा होगा, आक्रोश होगा, दुख और दर्द सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ आरोपी कितने बेखौफ हैं, कानून व्यवस्था का जरा सा भी डर उन्हें दिख नहीं रहा है। खुलेआम 20 सड़क दिन दहाड़े लोगों के बीच किस तरह से आप देख सकते हैं कि तस्वीर में कि गाड़ी से लड़के उतरते हैं, लड़कियों को कहते हैं कि वो गाड़ी में बैठ जाए, निकिता को कहते हैं कि
कि वो गाड़ी में बैठ जाए, जब वो मना करती है तो सीधे गोली मार दी जाती है। ये सवाल खड़ा करता है वहां की सरकार पर, ये सवाल खड़ा करता है वहां की कानून व्यवस्था पर, सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई हरियाणा में इस तरह से गुंडे बेखौफ गुंडागर्दी करते रहेंगे और कब तक करते रहेंगे। बहुत बड़ा सवाल कि किसी बेटी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और वहां पर सरकार या वहां की पुलिस प्रशासन जो है एक तरह से मूक बधिर नजर आ रही है। एक शख्स को पकड़ा गया है अरविंद, जो पास में खड़े परिजन हैं उनसे जरा जानने की कोशिश करिए। 2018 में वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट लिखाई थी, क्या इन दो सालों में भी बीच में कभी बहन ने ये शिकायत की थी कि लड़के तंग करते हैं या पीछा करते हैं, इस तरह की कोई बात? देखिए श्वेता, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि एक आवाज इक हो रही है, उसको आप जरूर करेक्ट करा ले। लड़की के जो भाई है वो हमारे साथ है। आप ये बताइए कि FIR आपने 2018 में कराई थी तौसीफ के खिलाफ? हमने तौसीफ के खिलाफ FIR कराई थी सर। हम लोग यहाँ पर सुबह से हैं लेकिन कोई नेता कोई मंत्री कोई नहीं आया, और अगर किसी दूसरे समाज की बेटी होती मुस्लिम समाज की तो यहाँ पर पूरा प्रशासन आ जाता, पूरे दिल्ली तक की कुर्सियां हिल जाती। हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है, आपको माफ करिएगा लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि नेता नहीं आए, और क्यों आप सर? आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कौन नेता है, कोई भी नहीं आया। यहाँ पर हम हिंदू हैं ऊंचे समाज से, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप बताइए 2018 में FIR दर्ज हो गई थी, क्या इस बीच जब समझौता हुआ क्या इस बीच आपकी सिस्टर ने कभी शिकायत की कि आपका जो लड़के हैं पीछा करते हैं छेड़छाड़ करते हैं, इस तरह की शिकायत करते? नहीं सर, कभी शिकायत नहीं करी। उसके बाद कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ना कुछ सुनने में आया ना उसने कुछ कहा, कभी कुछ नहीं रहा उसका। ये एकदम से ही लास्ट पेपर था सर, पूरी प्लानिंग से आए थे सर, कट्टा लेकर वहाँ पर सब चीज। तो ये लास्ट का दिन था उसका कॉलेज का, उन्होंने सोचा था कि यार आखिरी दिन है, इसको ले जाते हैं किडनैप करके धर्म परिवर्तन करवाएंगे लव जिहाद। आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये सर, SIT गठित हो जाए, हमें 2-3 दिन के अंदर न्याय मिले, वो जो लोग एक लड़का गिरफ्तार है उसको भी पकड़ा जाए और इनको कम से कम फांसी की सजा हो, और हमें कोई DIG रैंक का CP साहब आए या कोई आए वो हमें मीडिया के सामने बयान दे के, और हमारी सुरक्षा भी मुहैया। एक सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी वारदात हुई है और खासकर महिला सुरक्षा को लेकर तमाम राज्यों की पुलिस है वो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन पूरा परिवार गुस्से में है। अभी तक फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर, फरीदाबाद पुलिस के कोई अधिकारी यहाँ पर ग्राउंड पर नहीं आया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है शासन प्रशासन की, बड़े अधिकारियों की, वो खुद आए यहाँ पर और परिवार से बातचीत करें, उनको सांत्वना दे।